नमस्कार, आज हम बनाए जा रहे हैं बेरई। और अगली आवाज नितेश जी की। नितेश जी, कैसे बन रहा है बेरई आज? बेरई बनाने के लिए पहले आटा लेते हैं गेहूं का, फिर थोड़ा सूजी डालते हैं, फिर थोड़ा स्वाद अनुसार नमक, अजवाइन और कसूरी मेथी, और 250 ग्राम आटे के अंदर 2 चम्मच मोयन के लिए रिफाइंड ऑयल, फिर इसको जैसा चपाती का आटा लगाते हैं ऐसे ही इसका लगा देंगे, फिर 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे आटे को, जब तक हम अंदर फिलिंग के लिए मसाला बना लेते हैं। मसाले में सबसे पहले हम लेंगे बेसन, बेसन के अंदर लेंगे सूखा धनिया क्रश किया हुआ, मिर्च, हल्का गरम मसाला, नमक, काला नमक, सौंफ, ये सारा कुछ लेकर हल्का हल्का पानी से उसका एक डो तैयार कर लेंगे। फिर उस डो को हम जैसे कचौड़ी बनाते हैं घर में, ऐसे करके आटे की लोइयां तोड़ेंगे और फिर उस लोई में इस डो की फिलिंग करेंगे। देखिए, जैसे मैं बना रहा हूं उस तरीके से सारी लोइयों को पहले इस बेसन वाले डो को फिल कर लेंगे और उस देर तक हम अपना रिफाइंड ऑयल तलने के अनुसार, हमें 2 तलना है 4 तलना है 6 तलना है और कितना बड़ा हमारा कढ़ाई है, उस कढ़ाई को हम आधा रिफाइंड ऑयल से भर देंगे और गैस को ऑन कर देंगे। और इसकी स्पेशलिटी क्या है, ये कहाँ पॉपुलर है? ये आपको नॉर्दर्न रीजन में मथुरा, आगरा एंड नियर, वहां पे आपको सुबह सुबह जलेबी, कचौड़ी, बेड़े, इन तीन चीज का नाश्ता आपको हर एक छोटे से छोटा दुकान पे और बड़ा सा बड़ा स्वीट शॉप पर आपको मिलेगा, और इसका जायका भी बड़ा अच्छा होता है। और खाते किसके साथ हैं इसे? इसको आलू की सब्जी के साथ खाते हैं हम, और कहीं कहीं जगह पे खट्टा मीठा करने के लिए हम काशी फल का सब्जी भी यूज करते हैं, जिसको कि हम पका काशी फल को हम मीठा बनाते हैं। इसमें और दाल वाले कचौड़ी में कितना अंतर है? कोई अंतर नहीं है। दाल वाले में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि दाल को आपको पहले एक रात पहले भिगोना है, फिर उसके बाद आपको उसको पीसना है। जैसे इसमें मसाला डाला वैसा दाल का मसाला डालेंगे। ये इंस्टेंट है, आप जब चाहे, जब आपका मन है, सुबह दोपहर शाम, जब आप घर पर बना सकते हैं। और इसके साथ जो हींग वाली सब्जी, आलू की सब्जी पतली होती है, वो इसका स्वाद 4 गुना बढ़ा देती है। 1:30 बजे तक मिलती है हम लोगों के यहाँ पे मथुरा आगरा में कचौड़ी, जलेबी, भेड़ी, और सब्जी के साथ ही मिलेगी। जैसा राजस्थान में कड़ी के साथ, चटनी के साथ, ऐसा नहीं है, और बहुत ज्यादा अंदर मसाला भी नहीं होगा सब्जी के अंदर भी नहीं होगा, और ये बेड़े के अंदर भी नहीं होगा। जैसे राजस्थान के अंदर पूरा बहुत मसाला डाल के और वो कर पूरा फिल कर देते हैं, तो वो बिना सब्जी के ही खाने में स्वादिष्ट लगती है, लेकिन ये सब्जी के साथ ही स्वादिष्ट लगती है। तो नितेश जी, ऐसे कि मथुरा में ये हर गली मोहल्ले में जो बताया ये मिलता है, और आगरा में भी मिलता है, बिल्कुल सही। तो अलग अलग दुकानों की अलग अलग स्पेशलिटी होगी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बारे में कुछ बताइए। अलग अलग दुकानों की यही स्पेशलिटी है कि सारा जो इसमें सब्जी का जो खेल है वो हींग पर डिपेंड करता है, कि आपका हींग कितना अच्छा है, कितना अच्छा आप मसाला, गरम मसाला यूज कर रहे हैं। तो इसके लिए बेसिकली ताजा गरम मसाला पीसा जाता है,
जिसमें लौंग, काली मिर्च, जावित्री, सौंठ, तेजपत्ता, ये सारी चीजें रहती हैं। और मथुरा में जैसे तीर्थ स्थल है तो पूरे विश्व के कोने कोने से लोग आते हैं मथुरा के अंदर, तो इसलिए मथुरा के अंदर अगर आप लोगों का कभी चक्कर लगता है मैं मथुरा से ही हूं, तो होली गेट है, होली गेट पर उमा पहलवान कचौड़ी वाले हैं, जिनका की इतिहास करीब 80-90 साल पुराना है। उनके देशी घी की जलेबी, जिसको कि वहां पर जलेबा बोलते हैं, और कचौड़ी मिलेगा आपको। आप उनका सब्जी खाएंगे तो इजी टू डाइजेस्ट जैसा बोलते हैं अंग्रेजी में, वैसा आपको मिलेगा। कचौड़ी में आपको बिल्कुल भी तेल नहीं दिखेगा, सब्जी में तेल नहीं दिखेगा, और एक मजा आएगा, एक मसाले का अलग अलग स्वाद आएगा। और जैसे जलेबी का भी है, मैं आपको इसके साथ साथ जलेबी का भी बार बार मैं जैसा बोल रहा हूँ, जलेबी का भी ये रहता है कि एक तो मैदा पानी से लगाते हैं, ठीक है, फिर सोडा डालते हैं, एक मैदा एक दो रात पहले उसको भिगोते हैं दही के पानी के साथ, और जितना पतला आपका जलेबी का फैन रहेगा उतना क्रिस्पी जलेबी आएगा। और हम लोगों के यहाँ पे, जैसे मैं बता रहा हूँ बार बार में कि मैं मथुरा से हूँ, हमारे यहाँ जलेबी की चाशनी में कोई भी कलर फूड कलर नहीं डाला जाता है, नेचुरल शुगर होती है, और उसको इतना क्रिस्प किया जाता है सेकने में ही कि वो एक लाल रंग ले लेता है। और ऐसा ही हम लोगों के यहाँ पे कचौड़ी में है, बेड़ई में है, और हर दुकान का, ये मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, हर दुकान का, ऐसा दुकान मैंने गिना नहीं पर 365 दुकान का अगर मैं खाता हूँ 365 दिन के अंदर, तो 365 स्वाद आपको मिलेगा। क्या बात है, तो हर दुकान का अलग रेसिपी, अलग तरीके से बनाने का विधि, हाँ, अलग मसाला, मसाला अलग मसाला, रेसिपी तो वही रहेगा, बस मसाले का एक वो रहेगा, कोई हींग ज्यादा डालता है, कोई गरम मसाला ज्यादा डालता है, कोई मिर्ची ज्यादा डालता है, कोई हरी मिर्च डालता है। शानदार, तो भगवान कृष्ण की नगरी में आप जरूर पधारे और वहां के जायकों का स्वाद ले। हाँ सर नितेश जी, ये आप क्या कर रहे हैं ये तो बताइए हमें दर्शक। ये हम जैसे थोड़ा बहुत बेसन बच गया कटोरी में, चुपका रह गया, तो उसका भी हम यूटिलाइज करते हैं, फेंकते नहीं है या बर्तन धोने में नहीं डालते, उसमें थोड़ा सा पानी डालकर हम लोग आलू की सब्जी के लिए एक थिकनेस लाने के लिए, एक थोड़ा गाढ़ापन लाने के लिए हम आलू की सब्जी में इसका प्रयोग करेंगे। अब आगे देखते हैं हम आलू की सब्जी। बिल्कुल, तो ये आलू आप बिना छिले ही मैश कर रहे हो? हाँ, जो मोटा छिलका होगा वो आपका ऊपर पानी के ऊपर तैर जाएगा और बाकी का आलू नीचे नीचे रह जाएगा। बिल्कुल, तो आमतौर पे लोग छिलके फिर मैश करते हैं तो नहीं, हलवाई लोग या कमर्शियल यूज में लोग छिलका नहीं उतारते, इतना समय नहीं होता प्रभाशी। सो जैसे कि आप इसमें थोड़ा हल्का पानी डाल के मैश कर रहे हो, राइट? हाँ, हम इसमें करीब 4 आलू के अंदर 0.5 लीटर पानी डालेंगे। अभी आप देख रहे हैं प्रभाष जी कि पूरा हमारा आलू नीचे है और सही, और छिलका ऊपर है। बिल्कुल सही। हाँ, और हम आपको दिखा देते हैं प्रभाष जी, ये हमारा हाथरस का हींग है, प्योर हींग। अच्छा, बिल्कुल। और आप देखेंगे इस सब्जी में जो जादू रहेगा वो इस हींग का ही रहेगा। हींग का ही कमाल है, हींग का कमाल है, ये हिडन आपका जेम है, रेसिपी है। नहीं, प्योरिटी का है, हिडन तो नहीं कहेंगे, क्योंकि ये हींग हाथरस एक्चुअली पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे अच्छा हींग हाथरस का ही होता है, और जितना अच्छा दुकान रहेगा वो हाथरस से ही हींग मंगाता है। आप या अहमदाबाद चले जाइए, इंदौर चले जाइए, इंदौर के एक गाठिया शॉप है सराफा बाजार के अंदर, वो आज भी हाथरस से डायरेक्ट हींग मंगाते हैं। ये हींग 20,000 रुपए के जी आता है। अच्छा, तो अगर कोई नॉर्मल कस्टमर हींग खरीदने जाए
तो वो कैसे पहचाने कि ये अच्छी क्वालिटी का हींग है? इसका खुशबू रहता है और हींग बेसिकली एक अरब कंट्री से ये आता है, आपको एक जानकारी के तौर पर बता देता हूँ। और एक पेड़ के अंदर से कुछ मिल्क टाइप निकलता है, उसका प्रोसेसिंग हाथरस के अंदर होता है बड़े लार्ज स्केल पर। अच्छा। और उधर से ही पूरा डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो हींग किस चीज के ऊपर वो लोग चढ़ा रहे हैं, प्रोसेसिंग कर रहे हैं, वो देखना एक खास बात रहेगा। तो अभी आप छिलके निकाल रहे हो, मतलब? हाँ, देखिए, हाँ, देखिए आप, अगर मैं छीलता गरम था, अभी मेरा आलू ठंडा भी हो गया और मेरा छिलका भी मेरे हाथ में आ गया। बिल्कुल, तो ये तो बिल्कुल मेरे लिए एक नई एक्सपीरियंस है। और आज हम बेसिकली कचौड़ी बेड़ई की बात कर रहे हैं। बस फर्क ये है, कचौड़ी मैदा से बनती है। आजकल लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए, मैदा को अवॉइड करना चाहते हैं, तो इसलिए हम लोग बेड़ई बना रहे हैं। अच्छा, आपकी रिक्वेस्ट पर। बिल्कुल। और थोड़ा सा क्या है, शुगर का भी थोड़ा सा वो हो गया है, इसलिए हम आज काशी फल की सब्जी, कद्दू, जिसको कि हमारे काशी फल, कद्दू और अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से बोला जाता है। पेठा, कोई लोग पेठा बोलते हैं, पेठा का सब्जी। तो बेसिकली उसमें कुछ होता नहीं है, जैसा हम सब्जी बनाते हैं, बस उसमें ये ध्यान रखने की बात होती है कि जो काशी फल है वो पका वाला होना चाहिए। पका वाला पीले कलर का होता है और कच्चा जो है वो हरा होता है। अच्छा, तो ये पहचान होगी पके और कच्चे। हाँ, और उसके अंदर बड़ा बड़ा बीज रहेगा। बीज तो इसमें भी रहेगा पर उसके अंदर बिल्कुल लाल रहेगा वो ना। और फिर उसको काट कर हम लोग जैसे नॉर्मली जो सब्जी सारा कुछ मसाला डालते हैं, गरम मसाला और अपना हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर और सौंफ, धनिया, ये सारा प्रयोग करेंगे उसमें। और खास बात ये रहती है बाजार की सब्जी की कि वो सारे खड़े मसाले यूज करते हैं और खड़े मसालों को ही प्रयोग में लाते हैं। और उसको, उसका रीजन ये होता है कि खड़ा मसाले को हम कूटेंगे तो उसका फ्रेग्रेंस जो है, उसका स्वाद, उसकी खुशबू, वो आपके सब्जी में बरकरार रहेगी। और पिसे मसाले करेंगे तो उसमें कोई खुशबू नहीं होगी, कोई स्वाद नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हमने छान लिया है ये। हाँ, अब हमने छान लिया है प्रभाष जी। अब हम देखेंगे कैसे आलू का सब्जी हम बनाएंगे, आलू का झोल बनाएंगे। बिल्कुल, है ना। और एक और सबसे अच्छी टिप्स ये रहती है, कभी भी कोई पतली सब्जी बनाएंगे और जिसमें खड़े मसाले प्रयोग में लाएंगे, उसको जितना स्लो आग पर आप बनाएंगे और काफी देर तक खदकने देंगे, बॉईल होने देंगे, उतना ही जो आपने मसाले डाले हैं उनका स्वाद बाहर निकल कर, निखर कर आएगा। तो इसमें, हाँ, तो इसमें अभी क्या डाल रहे हैं हम लोग? जैसा प्रभाष जी आप देख रहे हैं, मैं इसमें थोड़ा हल्दी पाउडर डालूंगा और वो मैंने घोल डाल चुका हूँ, जो आपने बनाया। मैंने घोल बनाया था जो चुपका हुआ था कटोरी के अंदर, उसको वेस्ट नहीं होने दिया, डस्टबिन में नहीं जाने दिया, सिंक में नहीं वेस्ट होने दिया, नाली में नहीं वेस्ट होने दिया, क्योंकि भोजन जो है उसको व्यर्थ में नहीं जाने देना चाहिए। क्योंकि बड़ी मुश्किल से ये भोजन लोगों को नसीब होता है। ये नमक है, ये सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट। तो ये काला नमक है। तो अभी तक इसमें हल्दी, काला नमक और नॉर्मल सॉल्ट। हाँ, और मैंने धनिया पाउडर भी डाल दिया है। धनिया पाउडर भी डाल दिया। अच्छा, हाँ हाँ। कितनी चम्मच धनिया पाउडर? धनिया पाउडर 2 चम्मच। 2 चम्मच नमक स्वाद अनुसार, काला नमक 1/2 चम्मच, जिससे ये सारी चीजें जैसे आप देख रहे हैं, जैसे काला नमक डाला, ये हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही बढ़िया रहता है। अभी जैसे हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, वो भी स्वाद अनुसार, हर एक जगह का अपना अलग मिर्च का वो रहता है, कहीं पर बहुत चटपटी होती है, तो मैं इसमें बिल्कुल आपको नहीं बोल सकता हूँ कि आप 1 चम्मच डालिए कि 1/2 चम्मच डालिए या चुटकी भर डालिए, वो आपको जैसा सब्जी पसंद है। बिल्कुल। और ये मैंने अभी कूट लिया है, ये मेरा गरम मसाला पाउडर है। अच्छा अच्छा, तो
अपने खड़े के मसाला को कूट के फिर कूट के और आप एक और गजब चीज देखिए, आप जितना हींग डालेंगे पाचन क्रिया के लिए तो अच्छा है और सब्जी में हल्का खटास भी देता है। अच्छा, तो आमचूर पाउडर डालने की जरूरत नहीं है? हाँ नहीं, हम तो नहीं डालते हैं। और आपको ज्यादा खट्टा खाना है तो आप डाल सकते हैं। अभी जैसे ये मेरा रॉ झोल तैयार हो गया है, इसको अभी मैं थोड़ा सा तेल डाल के इसको मैं बॉइल करूंगा, खटकाऊंगा, और जितना खटकाऊंगा उतना इसके अंदर निखार आएगा। बिल्कुल। और इसमें एक और खास बात, जैसा अभी आपने बोला कि उमा वाला सब्जी बनाना है मथुरा का, तो उसके अंदर ये खासियत रहती है ना, हरी मिर्च रहेगा ना हरा धनिया रहेगा। अच्छा। हाँ जी हाँ जी। तो फिर अब हम सब्जी की तरफ बढ़ते हैं। हाँ 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 बिल्कुल। एक से डेढ़ चम्मच सरसों का तेल, जो कि आजकल क्या है कि रिफाइंड ऑयल आ रहे हैं उसमें कुछ तत्व नहीं बचता है, तो इसलिए मैंने सरसों का तेल इसमें उपयोग में ला रहा हूँ। मिलावट भी मैंने सुना है बहुत सारे, हाँ, हाँ, डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि आप रिफाइंड मत खाइए, सरसों खाइए। हाँ हाँ हाँ, सरसों खाइए, जैतून खाइए, बिल्कुल। तो वही है, थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस, और फिर हम घर पे बना रहे हैं तो इसलिए हम कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हैं ऑयल वगैरह का, ठीक है, मसालों का तो नहीं कर पाएंगे। जो मसाला जैसा है, जैसा आपने अभी पिछली बातों में पूछा कि हींग का क्या सब्स्टिट्यूट है, तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ऑयल का सब्स्टिट्यूट हो सकता है। बिल्कुल। तो अभी आप, अभी ये मैं हींग घुले डाल रखा था, आपको अभी बीच में दिखाया था, उसको भी मैं डाल दिया हूं, हींग में डाल दिया। ठीक है, तो एक बार समरी ले लेते हैं इस चीज का। इसमें आपने हींग डाला है, हल्दी डाली है। सबसे पहले मैं बताता हूँ, इसके अंदर मैंने कुकर से आलू निकाले चार। आलू निकालने के बाद, क्योंकि मेरे को अभी जल्दी जल्दी करना है, इंस्टेंट में शब्द बोल रहा हूँ बार बार में, तो आलू निकालने के बाद मैंने सबसे पहले मैशर लिया और आधा लीटर पानी डाल दिया और मैशर से मैश कर दिया, फटाफट उसका छिलका निकाल दिया। छिलका निकालने के बाद इसके अंदर मैंने हल्दी पाउडर डाला, मिर्च पाउडर डाला, नमक डाला स्वाद अनुसार, आधा चम्मच काला नमक डाला, गरम मसाला कुटा हुआ डाला मैंने, अभी जो मैंने फ्रेश कूटा था, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको गरम मसाला कैसे कूटा जाता है और उसमें कौन कौन सा मेन इंग्रेडिएंट रहता है वो हम बताएंगे। तो अभी मूव करते हैं। और फिर उसके बाद हमने आपका हींग डाला, पानी डाला, ठीक है ना। तो ये सारा कुछ डालने के बाद थोड़ा सा हमारा अभी तेल गर्म हो रहा है, उसके अंदर थोड़ा सा हम जीरा डालेंगे, जीरा पाउडर, नहीं 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 रॉ जीरा। अब इसको थोड़ा सा और पानी डाल के जो हमारा थोड़ा बहुत रह गया है उसको और डाल देते हैं, और फिर इसको कम से कम 20 मिनट से 25 मिनट हम चलने देंगे। जो मैं आपको बार बार मैं बोल रहा हूँ, जितना आप गर्म होने देंगे उतना मसालों का रंग रूप स्वाद सब कुछ बिल्कुल सच सवर कर आएगा, निखर कर आएगा। और उसमें ये भी गौर करने वाली बात है कि जो आंच है, जो ताव है, बिल्कुल कम रहेगा। आप हाँ स्लो रखेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो बार बार में आप पानी डालते रहेंगे क्योंकि वो जल्दी सूख जाएगा। बिल्कुल। अभी हम इसको वो कर लेते हैं और तलने के लिए बेड़ी हम जब तक दूसरी कढ़ाई गैस पर रखते हैं तो फिर उसका तेल गर्म होने के बाद फिर हम आपको आगे बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी तो फिलहाल आप इसको बॉल होने दे रहे हैं, राइट? हाँ हाँ बिल्कुल, जितना खटके उतना उतना मजा आएगा। और एक देखिए, आप देख रहे हो ना, पतला सा एक सूप टाइप, एक करी टाइप, और जैसे छोटा मोटा अगर हल्का हल्का जुकाम है और बिल्कुल गरम गरम इसको आप पियेंगे सूप की तरह से तो भी फायदा मिलता है, क्योंकि इसमें गरम मसाला, और गरम मसाले के अंदर लौंग, काली मिर्च, जावित्री और बहुत सारी चीजें जो कि हमारे सर्दी जुकाम को सही करता है।
अच्छा, मैंने कहीं देखा है, मैं जब मथुरा गया था तो मैं खाया भी था, कुछ कुछ करी का जो कलर होता है ना वो बिल्कुल काला हो जाता है। हाँ प्रभा जी, उस कालेपन का आने का कारण एक तो ये है कि जो हलवाई लोग जो है वो लोहे की कढ़ाई यूज करते हैं, जैसे अभी हम तो एल्यूमिनियम की कर रहे हैं, है ना, तो उससे एक वो कालापन छोड़ता है लोहे की कढ़ाई। और दूसरा, जैसे हमने हल्दी अपना जब हम मैश कर रहे थे उसके बाद डाल दिया, और उसमें होता है कि हम जब तेल के अंदर जीरा डालें उसके बाद हम हल्दी डाल देते हैं तो उससे एक कालापन आता है। वो कोई ऐसा वो कढ़ाई का ही बस फर्क है, और बहुत बड़ा फर्क कुछ नहीं है। अच्छा, वैसे तो लोहे की कढ़ाई का बोलते हैं क्योंकि भाई लोहा आयरन है कि आयरन मिलेगा, और आयरन पर अभी ठीक है कि हमारे पास जो अवेलेबिलिटी थी हमने उससे बनाने का कोशिश किया। बिल्कुल, और ऐसा कुछ वो नहीं है कि वो काला है ये पीला है, ऐसा कुछ नहीं है, सारा मसाला वही डलता है, बस केवल कढ़ाई का फर्क है। और आप अपने घर में भी इस चीज को देख सकते हैं, कोई सब्जी आप लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे तो वो काला काला हो जाएगा। बिल्कुल, कुछ लोग काला नहीं पसंद करते हैं या नहीं अच्छा लगता है घर पर ना, तो वो उस वजह से हम लोगों ने एल्यूमिनियम की कढ़ाई का प्रयोग किया। बिल्कुल, देखिए जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि सब्जी में कितना अच्छा उबाल आ रहा है, बबल्स बन रहा है, तो देखिए अभी जैसे प्रभाष जी आप भी खड़े हुए हैं, आपको सुगंध आ रहा होगा हींग का, गर्म मसाले का। हाँ बिल्कुल आ रहा है। देखिए प्रभाष जी आप अभी देख रहे हैं कितना अच्छा उबाल आ रहा है, हैं? और जो हमने हींग डाला, लौंग डाला, गरम मसाला डाला है, उसका कितना अच्छा खुशबू आ रहा है। हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है आपकी, है ना सुरभि? देखिए मैडम को भी देखिए, मैडम को भी पूछिए। सुरभि जी कैसा लग रहा है आपको, खुशबू आ रही है? बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें सभी मसालों की। मेरा तो बस मन कर रहा है जल्दी से बेड़े ही बन जाए और मैं खा लूं। धन्यवाद मैडम। और ये कब तक बॉईल होते रहना चाहिए? अभी आपने आप जितना बॉईल करेंगे, जैसे मैं आपको बताता हूँ, कभी आपका अगर जाना होगा तो हमारे यहाँ एक कुल्लू कचौड़ी वाला है, कुल्लू कचौड़ी वाला, हाँ होली गेट अंदर चौक बाजार एक जगह है, और उसके यहाँ सारा कचौड़ी वगैरह सब कुछ सरसों के तेल का ही मिलता है, और आज भी वो कोयले वाली भट्टी का प्रयोग करता है ना कि गैस का, और सुबह से उसकी सब्जी बनती है, और उस सब्जी की खासियत ये है कि उसके अंदर वो पीपल का बहुत ज्यादा मात्रा में उपयोग करता है, क्योंकि पीपल हमारी हेल्थ के लिए और जैसे सर्दी जुकाम और ये सारा कुछ हो जाता है उसके लिए बहुत उपयोग में लाई जाती है। बड़े बुजुर्गों से प्रभाष जी जैसे आप पूछेंगे तो पीपल के बहुत सारे फायदे हैं, और आप देखेंगे कि उसके यहाँ पे शाम को आप ठंडी कचौड़ी और गरम गरम वाली सब्जी आप खाएंगे तो आप अपने आप में ही एक अलग अनुभूति का महसूस करेंगे। तो आप कह रहे हो कि पीपल के पत्ते, पीपल का पत्ता नहीं, एक पीपल लौंग जैसा एक मसाला रहता है तो उस मसाले को डालते हैं। अच्छा अच्छा, क्योंकि हमारा कोल्ड वगैरह हो जाता है, सर्दी जुकाम खांसी हो जाता है, उसके लिए बड़े बुजुर्ग वगैरह बच्चों को बड़ों को सबको देते थे पीपल को भून कर। अच्छा अच्छा, ये तो बहुत ही लाभदायक चीज है, क्योंकि आजकल लोग सर्दी जुकाम होते ही दवाई ले लेते हैं। अब देखिए ना, खड़े मसाले हम लोग इसलिए उपयोग में ला रहे हैं कि कम से कम हमें एक पता तो है कि हम जो खा रहे हैं वो क्या है। पेड़ से टूट कर आया, सुखाया, और सुखा के रखने के बाद हमने उसको कूटा। अब बाजार में तमाम तरीके के ब्रांड हैं, तमाम तरीके के नाम हैं कि ये गरम मसाला लीजिए, ये मसाला लीजिए, ये किंग किचन लीजिए, ये छोले मसाला, आए कहाँ से? आए तो इन्हीं रॉ मसालों में से ना, किसी में कुछ डाला, किसी में कुछ नहीं डाला, किसी में कुछ, तो ये सारी चीजें रहती है। अच्छा, एक और चीज है जैसे कि अभी तो तेज आंच पे आप इसको पका रहे हैं। हाँ, अभी इसलिए हम तेज कर रहे हैं क्योंकि जैसा कि अभी मैडम ने बोला कि मेरे को जल्दी से बेड़ई का मन कर रहा है सब्जी को देखकर, तो इसलिए हम थोड़ा सा तेज कर दिए। अच्छा अच्छा, बिल्कुल।
तो अभी आपने फिर से वापस कम करके लंबी समय तक इसको आप हाँ हाँ जितना आप खटकाएंगे, मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, एक घंटा दो घंटा तीन घंटा है, और आपको लगेगा कि इतना खटकाएंगे तो जल जाएगा, नहीं नहीं बीच में आप थोड़ा 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 पानी डालते रहेंगे। अच्छा, तो ऐसे ही अमृतसर में मैंने खाया था दाल। अच्छा अच्छा, दाल मखनी। दाल मखनी हाँ, और... वो वही चीज होती है, वो दाल है, दाल मखनी का भी प्रोसेसिंग जो है प्रभाष जी हम लोग भी बनाते हैं। तो एक तो अमृतसर के पानी का अपना एक स्वाद है। अच्छा, है ना, और दूसरा जो माँ की दाल, दाल मखनी जो है वो 10 से 12 घंटे लेती है पकने में। 10 से 12 घंटे। हाँ, तो जो एक क्रीमीनेस आता है उसके अंदर, एक अच्छा फ्लेवर आता है, वो इसी वजह से आता है, और उसके अंदर भी खड़े मसालों का प्रयोग होता है। अच्छा, आप हिंदुस्तान में जितना भी आप अच्छी अच्छी जगह पर गए होंगे या जिस भी जगह पर गए होंगे और जो चीज अच्छी लगी होगी या सबको अच्छी लगती है मेजोरिटी में, तो उसमें ज्यादातर खड़े मसालों का ही उपयोग होता है। जैसे आप हैदराबाद से हैं, आपके यहाँ बिरयानी बहुत प्रसिद्ध है, तो बिरयानी के अंदर आप खाए होंगे और बिरयानी में देखे होंगे, तो वहाँ पे भी खड़े मसालों का ही प्रयोग किया जाता है, एक उसकी खुशबू को, एक उसके स्वाद को बरकरार रखने के लिए। हाँ, ये बात तो आपकी 100% सही है, और बिरयानी हैदराबाद में इतनी मशहूर है, हर रेस्टोरेंट्स का अलग तरीका बनाने का, जैसे कचौड़ी का तरीका जो आप बना रहे हैं। हाँ, हाँ, पर जैसे प्रभाष जी, मैं भी हैदराबाद आता रहता हूँ अपने बिजनेस के सिलसिले में, तो मैं काफी पैराडाइज का खाया और भी तमाम जगह का खाया, पर जो मेरे को संतोष की काजू बिरयानी का जो मजा लगा, क्योंकि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो काजू बिरयानी का जो मेरे को मजा लगा, जो बासमती राइस यूज करता है वो बहुत काबिलियत तारीफ है। तो मैं तो आगे यही कहूंगा, मतलब मेरे स्वाद के हिसाब से, कि आप लोग भी संतोष ढाबा का काजू बिरयानी मंगाएं। बिल्कुल, क्योंकि बिरयानी का नाम लेते ही लोगों को दिमाग में चिकन बिरयानी या मटन बिरयानी आती है। हाँ, नॉन वेज बिरयानी आती है। हाँ, हाँ, चिकन बिरयानी लोग पुलाव समझते हैं। हाँ, हाँ, क्योंकि ये बहुत डिबेट चलते आ रहा है, और हमारे दर्शकों को भी पता होगा कि वेज बिरयानी और नॉन वेज बिरयानी में बहुत डिबेट चलते आ रहा है। और काजू बिरयानी आप बोल रहे हो कि एक अलग ही किस्म की बिरयानी है, और वो टेस्ट के हिसाब से हम नॉर्थ रीजन से आते हैं, मथुरा से आते हैं, तो थोड़ा हम लोगों के यहाँ पे भी चलन है कि कुछ भी बनाना है तो काजू डालना है, बादाम डालना है, ये डालना है, तो एक मजा आता है। जैसे अपना मैं पर्सनल आपको अपना व्यू बताऊं, तो मेरे को ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो इस वजह से भी हो सकता है ना। पर उसका मैं वेज बिरयानी भी खाया, वो भी शानदार था। अच्छा, और सबसे अच्छी प्रभाष जी, मैं आपको और इस पूरे हैदराबाद के लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि बहुत ही अच्छे लोग, जिधर की 24 घंटे आपको खाने की प्रॉब्लम नहीं होगी, 24 घंटे आपको हर जगह पे खाना मिलेगा। और जो हमारे यहाँ पे मसाले यूज करे जाते हैं, जिस जगह से मैं आता हूँ, छोटी सी जगह है मथुरा, जो कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थली है, तो वही चीज मैंने यहाँ पे देखा मसाला। जैसे देखिए, हमारे यहाँ पे तो ब्रज भाषा होती है, तो ब्रज भाषा हिंदी, जैसे मैंने यहाँ पे देखा कि आपको अगर अंग्रेजी नहीं आती है तो यहाँ पे कोई आपको टीज नहीं करेगा और आपसे हिंदी में संवाद करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हिंदी, तेलुगु, ठीक है तेलुगु नहीं आती पर हिंदी में वो समझता है। तो मैं छोटा सा एक ऑटो रिक्शा से लेकर और कैब तक, फ्लाइट तक, एयरपोर्ट तक सारा कुछ देखा, तो वो एक मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इसीलिए मैं बार बार में हैदराबाद आता रहता हूँ और बिरयानी खाना नहीं भूलता। बिल्कुल बिल्कुल, शानदार बिरयानी तो शानदार है यहाँ की। हाँ, स्पेशलिटी। हाँ, यहाँ के लोग भी बहुत मधुर भाषी हैं और बहुत ही अच्छे हैं, अपना सब अपने काम में लगे रहते हैं, बड़े मेहनती हैं, तो आई लव आंध्रा एंड तेलंगाना, स्पेशली कैपिटल हैदराबाद। बिल्कुल, इसको ना ज्यादा पतला भी लेंगे ना ज्यादा मोटा भी लेंगे, आप देखें कितना बढ़िया से मिल गया। और आज तेज होने के बाद इसको हम सिम कर देंगे, उसके बाद डालेंगे
जिससे कि हमारी बेड़ई में एक क्रिस्पीनेस आएगी। अच्छा। और क्रिस्पीनेस ही और एक और स्पेशली होती है प्रभाष जी कि इसमें सब्जी अलग और बेड़ई अलग कर कर नहीं खाते हैं। इसके अंदर जैसा आप सांबर बड़ा खाते हैं ऐसे ही इसको खाते हैं और उसका एक अलग मजा होता है। थोड़ा उंगली गरम गरम लगता है और अभी देखिए विंटर चल रहा है, सर्दियां चल रही हैं, तो गरम गरम खाने का एक अलग ही मजा है। 100% आपकी बात सही है। जितना इस टाइम पे गरम समोसे गरम कचौड़ी हम लोगों के यहाँ पे जो पत्ते का दोना रहता है उसका उपयोग करते हैं, उसका भी एक उस दोने में भी खाने का एक अलग मजा होता है, अलग टेस्ट आती है, अलग टेस्ट आता है। जैसे आप कुल्हड़ में चाय पियोगे। हाँ हाँ हाँ, कुल्हड़ में चाय का जो स्वाद है वो कप वाले चीनी मिट्टी के कप्स के काफी अंतर होता है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो ऐसे आप सारे बेल लेंगे। हाँ सारे हम बेल लेंगे, उसके बाद एक एक करके आप उसमें बिल्कुल बिल्कुल मसाले भर के। नहीं, उसके बाद हम इसको कढ़ाई में डालेंगे। अभी हमारा तेल थोड़ा हो रहा है और तेल चेक करने के लिए जैसे मेरे पास थर्मो स्कैनिंग गन नहीं है, बड़े बड़े शेफ वगैरह के पास तो थर्मो स्कैनिंग गन रहता है, तो हम थोड़ी सी लोई पर से थोड़ा सा आटा निकालेंगे और डालेंगे और तुरंत अगर ऊपर आ जाता है तो हमारा तेल गर्म हो गया है। बिल्कुल। और इस तेल के टेम्परेचर में हम अब अपनी बिली हुई बेड़ई को डाल सकते हैं। देखिए जैसा ऊपर आ गया ना तुरंत डालकर, तो अब हम डाल देते हैं। और एक और खास बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा आप जो भी डीप फ्राई कर रहे हो उसको बिल्कुल कढ़ाई के बगल से ही डालना है, बीच से नहीं डालना है, उससे हाथ तेल उछलेगा और आपका हाथ जलने की संभावना ज्यादा है, बढ़ जाएगी, तो इस बात का सबसे ज्यादा ख्याल रखें। जैसा आप देख रहे हैं अभी एक बार फूलने के बाद हम लोग इसकी आग को बिल्कुल सिम कर देते हैं, स्लो कर देते हैं, जिससे ये अंदर तक सिकेगी और खाने में बड़ा ही मजा आएगा। बिल्कुल। तो क्रिस्पीनेस से आता है। हाँ 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 बिल्कुल। क्रिस्पीनेस है और दूसरा है कि क्रिस्पीनेस के साथ साथ सॉफ्टनेस भी होनी चाहिए, जिसके के लिए हमने हल्का मोयन का प्रयोग किया है। और ये आपने तेल कौन सा यूज किया है इसमें फ्राई? ये हमने अभी तो रिफाइंड ऑयल यूज किया है। वैसे मैं तो यही कहूंगा कि सरसों का तेल खाइए, सरसों का तेल नहीं ठीक लगता है, खुशबू नहीं ठीक लगती है, तो जैतून का तेल खाइए, ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून का तेल। हाँ जी हाँ जी। एक तो अभी क्या है, अभी की लाइफस्टाइल में ज्यादातर लोगों को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो रही है, तो डॉक्टर भी बोल रहे हैं कि तेल कम से कम खाओ, और खाओ तो फिर थोड़ा बहुत जैतून का तेल खाओ, उसमें फैट भी कम रहता है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और खाने में भी अच्छा लगता है, और आप देखेंगे उसकी मटकियां बनाएंगे, कुछ भी डीप फ्राई का बनाएंगे तो आपके हाथ में तेल नहीं दिखेगा। अच्छा। और बेसिकली वो भी तेल है ना कि रिफाइंड है, जैतून का जैसे सरसों का तेल है वैसे वो तेल है ना कि रिफाइंड है। रिफाइंड में सारी जो उसकी स्ट्रेंथ है केमिकल के द्वारा उसकी खुशबू वगैरह सारा कुछ खत्म कर दिया जाता है, इसीलिए डॉक्टर बोलते हैं कि आप सरसों का तेल खाइए, देसी घी खा लीजिए, गाय का घी खा लीजिए, है ना। पर रिफाइंड ऑयल के लिए हर एक डॉक्टर भी मना करते हैं, बोलते हैं अवॉइड करिए। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जहां पे लोगों ने ये कहा है कि आप रिफाइंड खाना बंद कर दीजिए। हाँ। जल्दी से जल्दी, क्योंकि जो रिफाइंड की कीमत है मार्केट में बिल्कुल बिल्कुल 99 रुपया 100 रुपया, इतने में रिफाइंड ऑयल बनाना नामुमकिन है, मुश्किल है, कुछ ना कुछ मिलावट के जरिए ये कम दाम में बेचते हैं, कुछ पाम ऑयल वगैरह मिला देते हैं
है ना। तो इसलिए मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप ऑयली ऑयल खाइए या फिर देसी घी खाइए, और सरसों का तेल सबसे अच्छा है। सरसों के तेल से जिनके घुटनों में दर्द होता है या कुछ भी है तो बहुत ही अच्छा लुब्रिकेशन का काम करता है सरसों का तेल। और सरसों का तेल तो वैसे भी आप देखिए, अभी ठंडे का मौसम चल रहा है, आप पानी के अंदर 2 बूंद सरसों का तेल डाल के फिर नहाइए तो आपकी जो स्किन है वो सफेद सफेद रूखी रूखी नहीं लगेगी। तो सरसों का तेल का तो शुरू से ही बहुत बड़ा महत्व है। और ये कच्ची घानी तेल और नॉर्मल तेल में कितना अंतर है सरसों के तेल में? कच्ची घानी और नॉर्मल तेल का बस कुछ इनका प्रोसेसिंग का फर्क रहता है। अच्छा अच्छा। तो क्योंकि ये सब चीज आमतौर पे इतना, वो बेसिकली क्या है कि जैसे अभी मैं आपको शब्द बोलूंगा, जैसे वो कोलू से निकाला जाता है। पहले कोलू आपने देखा होगा कि बैल से चलाए जाते थे, तो कच्ची घानी बेसिकली वो है। अच्छा अच्छा। और फिर डबल फिल्टर्ड कर देते हैं तो उसमें कुछ गंदगी नहीं बचती है। तैयार हो रहा है। जो आप ये बेराई तलते हुए देख रहे हैं ये अब इस प्लेट में जाएगी। ये बेराई वही तैयार हो गई सब्जी के साथ। चख के बताता हूँ कैसी बनी है। बहुत ही शानदार, मजा आ गया, मुझे ही याद आ गई। Thank you.